स्वागत है आप सबका अपना चैनल एमएस गिल इन्फोटेनमेंट में। आज हम आपको श्री गुरु अर्जन देव जी और चेचक की बीमारी साखी सुनाएंगे। हिंदू घरों में चेचक की बीमारी को शीतला माता या शीतला देवी कहा जाता है, लेकिन चेचक कोई माता या देवी नहीं है। यह एक भयानक संक्रामक रोग है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बहुत जल्दी पहुँच जाता है। जब चेचक का इलाज अभी तक नहीं खोजा जा सका था, तब इस बीमारी से एक साथ हजारों लोगों की मौत हो जाती थी। बच्चों पर इस बीमारी का असर जल्दी होता है। ये रोग आमतौर पर बरसात के मौसम में होता है। इस रोग में कई दिनों तक बुखार रहता है, फिर बीच सिर पर निकल आते हैं, अनाज में पानी भर जाता है। इस रोग में कभी कभी रोगी की आंखें या शरीर का कोई अंग स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है। महाराणा रणजीत सिंह की दाहिनी आंख बचपन में इसी बीमारी से खराब हो गई थी। समझदार लोग इस बीमारी का इलाज करते हैं, लेकिन अंधविश्वासी और अशिक्षित लोग इसे माता कहते हैं। उन्हें लगता है कि शीतला माता आ गई हैं। वे चेचक को कोई बीमारी भी नहीं कहते हैं। उन्हें डर है कि अगर हमने बीमारी कहा तो मां नाराज हो जाएंगी। वे किसी भी बीमारी का इलाज नहीं करते, बीमारों के पास बैठकर देवी मां के भजन गाते हैं, शीतला देवी का मंदिर रखते हैं। ये मंदिर पानी के तालाबों के किनारे बने हैं। मंदिर में मिट्टी भी लाई जाती है, जिसे अंधविश्वासी लोग शीतला का प्रसाद मानते हैं। मिट्टी को जल से गीला करके रोगी के घावों पर लगाना, इसके अलावा वे कोई अन्य उपचार नहीं करते। ये रोग आमतौर पर बरसात के मौसम में होता है, इसलिए जब बादल गरजते हैं तो अंधविश्वासी लोग सोचते हैं कि बादलों की आवाज से देवी माँ अप्रसन्न होंगी, इसलिए वे रखरियां छाजों में रखते हैं। जब बादल गढ़ बनाते हैं, छतों को जोर से हिलाओ। इस प्रकार वे समझते हैं कि माता को बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई नहीं देगी और माता क्रोधित नहीं होंगी। लेकिन ये सब अशिक्षित लोगों की अज्ञानता है। लेकिन ऐसा करने से रोग दूर नहीं होता है। एक बार लाहौर शहर में चेचक की बीमारी फैल गई। सड़कें और बाजार लाशों से भर गए। इस बीमारी ने घर घर में घर कर लिया। गुरु अर्जन देव जी लोगों की मदद के लिए लाहौर आए। गुरु हरगोबिंद साहिब का 1.5 साल का बच्चा भी गुरु साहिब के साथ था। गुरु जी ने अपने हाथों से लोगों की सेवा की और लंगर लगाया। निःशुल्क दवाएं वितरित की गईं और लोगों की जरूरतें पूरी की गईं। सेवा का ये कार्य कई महीनों तक चलता रहा। जब गुरु जी अमृतसर लौटे तो बालक गुरु हरगोबिंद जी को भी चेचक हो गई। कुछ अंधविश्वासी लोग गुरु जी के पास आए और वही सलाह दी जो वे दिया करते थे। किसी ने शीतला मंदिर जाने को कहा। गुरुजी ने उन अंधविश्वासी लोगों को समझाया कि चेचक एक बीमारी है, यह कोई माता या देवी नहीं है, तो हमें इसका इलाज करना चाहिए। हमें भगवान के नाम पर खुश रहना चाहिए। दैख और सुख ईश्वर की आज्ञा से ही आते हैं। गुरु साहबी ने शीतला के खंडन के विषय में भी अनेक वचन कहे जो गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज हैं। आजकल इस बीमारी के लिए टीके लगाए जाते हैं। भारत में ये बीमारी खत्म हो चुकी है। अब चेचक की बीमारी बताने वाले को सरकार 1,000 रुपये का इनाम देती है, फिर भी कोई बीमार नहीं मिलता। जब तक अंधास्तिक चेचक को शीतला या माता के रूप में पूछते रहे, तब तक लाखों लोग इससे मरते रहे। अब जब सबको पता चल गया है कि शीतला माता कोई संक्रामक रोग नहीं है जिसका इलाज हो सके, तो फिर कोई रोग ढूंढता ही नहीं। शिक्षा: चेचक एक ऐसी बीमारी है जिसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। ये शीतला माता देवी नहीं है। देवताओं की कोई सीमा नहीं है। हमें देवी देवताओं पर नाक रगड़ने की बजाय केवल भगवान पर भरोसा करना चाहिए। अपना कीमती समय निकालकर हमें सुनने के लिए सभी प्रिय मित्रों को धन्यवाद। और अधिक सिख ऐतिहासिक कथा और साखी सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह।